बिहार में शराबबंदी है, ये नीतीश कुमार का अमेजोन फ्लिपकार्ट मॉडल। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं, शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू। ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, शराब माफिया के पास, और यहाँ के गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है। जिन महिलाओं के नाम पर शराबबंदी लागू किया गया, सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसमें महिला ही है। ये नीतीश कुमार पूरे बिहार की जनता का मजाक इसलिए उड़ा पा रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले या आरजेडी वाले पद की लालच में नीतीश कुमार को ये करने में मदद कर रहे हैं। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर आरजेडी चले जाए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, फिर कल से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़े दोषी दो सहायक दल हैं, जिसका नाम भाजपा और आरजेडी सरकार है। बिहार में चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहे, अकेले रहे या भाजपा के साथ रहे, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं, तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहाँ परिवर्तन आने वाला नहीं है, खेला तो तब होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सजल आपके साथ। प्रशांत किशोर ने अपने पद यात्रा के दौरान आज सहरसा में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जन स्वराज दल बनेगा तो बिहार से 242 नहीं 243 जगहों से इलेक्शन लड़ेगा और पूर्ण बहुमत से जीतेगा। इसके साथ साथ वह नीतीश कुमार के साथ इस बार उनके साथ बीजेपी और राजद में भी भड़कते नजर आ रहे हैं। शराबबंदी को लेकर भी वो किस तरह से बिहार के लोग उससे परेशान है, उसका भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं, शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू है। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आप घर से बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, सामान घर पे आ जाता है। तो मैं 2 वर्ष से कह रहा हूं कि जो बिहार में शराबबंदी है, ये नीतीश कुमार का अमेजोन फ्लिपकार्ट मॉडल है, जिसमें शराब का दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। अब इसका जरा आप नुकसान समझिए, बिहार जैसे गरीब राज्य में शराबबंदी के नाम पर जो ये फसाद खड़ा किया गया है, इसकी वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का हर साल का नुकसान हो रहा है बिहार की गरीब जनता का। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, शराब माफिया के पास, और यहाँ के गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है। दूसरी बात, शराबबंदी होने से हर गांव में आप देखिए जितने लड़के हैं वो अवैध शराब के कारोबार में लग गए, उनके हाथ में कट्टा, उनके पास मोटरसाइकिल, 2-4 बोतल इधर से उधर किया, 2-4 हजार रुपया कमा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जिन महिलाओं के नाम पर शराबबंदी लागू किया गया, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इसमें महिला ही है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू किया गया है, तब से आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 6,37,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। बिहार की जनता का, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान पिछले 10 वर्ष में हो रहा है। और इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की जो भद पीट रही है वो तो पीट ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़े दोषी दो सहायक दल हैं, जो उसका नाम भाजपा और आरजेडी है। अगर नीतीश कुमार 7 बार पलटे हैं तो 3 बार इसमें भाजपा भी पलटी है, 3 बार आरजेडी भी पलटा है। भाई नीतीश कुमार ने तो कहा कि मैं अब भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन साथ साथ भाजपा के नेता अमित शाह ने भी कहा आज से 2-4 महीना पहले बिहार में आकर मंच से खड़े होकर कहा कि भाई नीतीश, बिहार की जनता एक एक लोग आप सुन लीजिए, मैं अमित शाह ये बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। वही नीतीश कुमार आज वही अमित शाह भाजपा नीतीश कुमार को आज मुख्यमंत्री बना रही है। तो नीतीश कुमार जो गलती कर रहे हैं, उनका राजनीतिक तौर पर उनकी भद पीट रही है, जनता उनको गाली दे रही है, लेकिन साथ साथ बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार पूरे बिहार की जनता का मजाक इसलिए उड़ा पा रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले या आरजेडी वाले पद की लालच में नीतीश कुमार को ये करने में मदद कर रहे हैं। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर आरजेडी चले जाएं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, फिर कल से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगेगा। कल तक भाजपा को नीतीश कुमार बेकार दिख रहे थे, आज उनके साथ आ गए तो मुरेठा बांध कर घूमने वाले सम्राट चौधरी
आज नीतीश कुमार को मैं बिहार का भविष्य ढूंढ रहे हैं। कल तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर सभा में जाएंगे तो महिलाएं सभा छोड़कर भाग जाएंगी, क्योंकि इन्होंने इतने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में खड़े होकर बताया कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे भाषा का प्रयोग ऐसे महिलाओं का असमान करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो सजा के तौर पर मोदी जी ने अब नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो आप लोग सिर्फ आप और हम नीतीश कुमार को क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों उनका शिकायत कर रहे हैं? भाई नीतीश कुमार तो जग जाहिर पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार हर 6-8 महीने साल भर पर अपने पद के लालच में कुर्सी अपना पलटेंगे, लेकिन उनके जो साथी दल हैं, जो लोग उनको इस पलटने में मदद कर रहे हैं, अब समय आ गया है उनको भी चिन्हित करने का और उनको भी पहचानने का कि उनका भी दोष कम नहीं है। बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के सांसदों के लालच में जो काम पहले कांग्रेस ने किया वही काम आज भाजपा। हमें बिहार से मतलब है। जिस दिन ये दल बनेगा तो बिहार में 243 जगह पर जन सुराज के लोग चुनाव लड़ेंगे और लड़कर चुनाव जीतेंगे। तब अरे भैया क्या आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है? लोकसभा से पहले जब दल ही नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ेंगे? यानी आपकी तैयारी विधानसभा से? हमारी तैयारी बिहार को सुधारने को लेकर है, हमारी तैयारी बिहार में व्यवस्था बदलने को लेकर है, हमारी तैयारी MP जीतने की नहीं है, हमारी तैयारी कोई विधायक बनने की नहीं है, हमारी तैयारी बिहार को जीतने को लेकर है, बिहार की व्यवस्था को बदलने को लेकर है, बिहार के उन लोगों को पटल पर लाने की है जिनमें जज्बा है, शक्ति है, सोच है, लेकिन उनके बाबूजी विधायक नहीं है, उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है। हम उन लोगों को साथ में लेकर बिहार में चुनाव जिताकर आपको दिखाएंगे और तब आप आकर सवाल पूछिएगा कि अब आगे का रास्ता क्या हो। कोई भी खेला हो, आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2012 के बाद अभी मैंने आपको गिनवाया, ये 6वां-7वां सरकार का प्रयास है, क्या फर्क पड़ गया? चाहे केंद्र में UPA की सरकार हो या केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहें, अकेले रहें या भाजपा के साथ रहें, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं, तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहाँ परिवर्तन आने वाला नहीं है। खेला तो तब होगा जब जनता खड़ा होकर जितने खेला करने वाले लोग हैं इन सबको झाड़ू मारकर बाहर जब करेगी तब असली खेला होगा। जैसा कि सुना किस तरह से प्रशांत किशोर ऐलान कर रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव जन स्वराज जब दल बनेगा तो वो बिहार से लड़ेंगे और किस तरह से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, साथ ही साथ बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू हुआ है उससे किस तरह से बिहार की जनता को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ जो तेजस्वी ने खेला की बात कही थी उस पर भी कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में असली खेला तब होगा जब बिहार की जनता खेला करने वाले जैसे नेताओं को झाड़ू से मारकर हटाएगी। तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर हमला बोलते नजर आ रहे हैं बिहार के सभी नेता और उनके दलों पर। तो आपने सुना क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।